कोरोना से ही निकलेगी कोरोना की कात। भारत में नए तरीके से शुरू होगा इलाज। भारत में जल्द ही कोरोना वायरस के मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू होगा। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के खून से प्लाज्मा लेकर कोरोना मरीजों का इलाज किया जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस से गंभीर रूप से बीमार लोगों पर प्लाज्मा तकनीक के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके लोगों का 800 मिलीलीटर खून लिया जाता है और एंटीबॉडीज से युक्त प्लाज्मा अलग कर दिया जाता है। इसके बाद प्लाज्मा को कोरोना वायरस के मरीजों में इंजेक्ट किया जाता है। जब शरीर किसी बैक्टीरिया या रोगाणु के संपर्क में आता है तो प्रतिरक्षा तंत्र अपने आप सक्रिय हो जाता है और एंटीबॉडीज रिलीज होने लगती है। कोरोना वायरस संक्रमण से रिकवर हो चुके मरीजों के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती है जो पहले ही कोरोना वायरस से लड़ चुकी होती है।